భగవాన్ విక్రీడత్యాత్మయా విసృజ్యవా యథా మాయాం ఉదాస్తి సాక్షివత్తి బహు. ఆర్ యే అంత కి ఓర్ జా రహా హై, అంతిమ ఏక్ దో ప్రశ్న ఉసే పూచనా హై, ఇస్లియే బల్కి అంతిమ ప్రశ్న హీ ఆ రహా హై. యథా ఆత్మతంత్రో భగవాన్, భగవాన్ జో దేఖో స్వాధీన హోకర్ కే సబ్ కుచ్ కర్ రహా, పరాధీన నహీ హై. వో కిస్ ప్రకార హో గయా? యథా ఆత్మతంత్ర హోకర్ కే భగవాన్ కిస్ ప్రకార సే విక్రీడతి ఆత్మమాయా, అప్నీ మాయా సే కైసే సంసార రూపీ ఖేల్ కో ఖేల్ రహా హై, హమే బతాయియే. విసృజ్యవా యథా మాయా, ఔర్ మాయా కో త్యాగ్ కర్కే సాక్షాత్ విభు యథా ఉదాస్తే, విభు సాక్షాత్ కిస్ ప్రకార సే ఇస్కా ప్రళయ కర్ దేతా హై, ఉదాస్తే మనే ప్రళయ, ప్రళయ కాల మే వా విభు ఇస్ మాయా కో త్యాగ్ కర్కే కిస్ ప్రకార సే రహతా హై, వో భీ బతావ్. సర్వం ఏతచ్చ భగవన్ పృచ్ఛతే మే అనుపూర్వశః, తత్త్వతో అర్హసి ఉదాహర్తుం ప్రపన్నాయ మహామునే. महामुनि, आप महामुनि है या महामते भी है, त्रिकार्य का ज्ञान रखने वाले, सकल वस्तुओं के यथार्थ ज्ञान रखने वाले का नाम महामति या महामुनि, ऐसे जो आप है, एतत् सर्वं हे भगवन, मैं पृच्छते मुझ पूछने वाले के प्रति अनुपूर्वश क्रमश एक एक करके स्पष्ट साफ अलग अलग करके आप जो है तत्व तो उदार तुम रसी प्रपन्न आया, मैं आपके शरणारविंद आया हूँ, शिष्यत्व भाव ग्रहण किया हुआ हूँ, इसलिए आप मेरे लिए इन सभी तत्वों के तत्व का कथन करने आप योग्य हैं, कृपया कथन करें. अत्र प्रमाणम ही भगवान परमेष्टि यथार्थभूः परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्. अत्र प्रमाणम ही भगवान, अरे मैं कह भी दूं तुम फिर उसे शंका दिमाग में आ सकती है? नहीं नहीं, मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार का शंका नहीं होगी. आप जो कहते हैं उसको मैं बिल्कुल शतशः अक्षरशः प्रमाण मानते हुए उससे बढ़कर कोई वचन नहीं मांग के चलूंगा. कोई तर्क वितर्क कुतर्क करने का मेरे पास समय भी नहीं है. सात ही दिन है, और सात दिन में भी इतनी बात होते तो पता नहीं आधे दिन से ऊपर बीत गई होगी. घटते ही जा रहा है ना समय तो. तो इसीलिए मैं तो तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करूंगा. आप जो करें मैं ये मान के चलो भगवान ही वही प्रमाण. अत्र इस विषय में आप ही मेरे लिए प्रमाण. क्यों आप प्रमाण है? क्योंकि ही परमेष्टि यथा आत्मु, जिस प्रकार से आत्म परमेष्टि है शुद्ध ब्रह्मा, ठीक उसी प्रकार आप मेरे लिए. ऐसे कैसे मान रहे हो? क्योंकि आप वही अनुष्ठान कर रहे हैं जो ब्रह्मा जी ने नारद को कहा है, नारद ने व्यास को कहा, व्यास ने आपको कहा. परंपरा से तो वही जा रहा है ना. आप प्रमाण का कहां से हो सकती है? शंका करना ही मूर्खता है यहां पर. तो इसे कहते हैं परेचयः अनुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्. और अधिक तो क्या कहूं, पूर्वेषां अभी पूर्वजैः, हमारे पूर्वजों का भी जो पूर्वज है उनके द्वारा जो कृत है वही आप यह अनुतिष्ठन्ति, उसी को आप यहां पर अनुष्ठान कर रहे हैं. इसलिए मैं आपको ही सर्वोत्कृष्ट प्रमाण मानता हूँ. इसलिए आपके किसी तरह के वचन में कोई संशय मेरे को नहीं है. इसलिए मैं आपका तत्व तक कथन करने योग्य मान के चल रहा हूँ. ठीक है, मैं तो कह तो दूंगा, लेकिन तेरी तो मुंह सूख रही है जहर के कारण. सांप का जहर चढ़ रहा होगा ना? नहीं कि चढ़ेगा, वो भय के मारे चढ़ रहा होगा पहले से ही. अभी तो काटा भी नहीं, चढ़ेगा कहाँ से? लेकिन भय हो जाता है ना पहले से ही, मौत आ रहा है, सांप काटेगा, मालूम हो जाए तो वही दिमाग उसी से खराब हो जाता है. इधर प्राण तो सूख रहे होंगे, प्यास तो लग रही होगी, तुम क्या सुनोगे? तू तो सुनने लायक है नहीं. यदि ऐसा कहे कोई सुखदेव के मन में इस तरह का विचार आवे तो जवाब देता है नमे असव परायंदी ब्रह्मन अनशनादमी. अपी पाठ होने चाहिए, अनशनादपी पिबतो अच्युत पीयूषम अन्यत्र कुपिता द्विजा. या अमी अभी रहे पाठभेद मान लो, कोई अमी असभा के साथ जोड़ लो, कोई बात नहीं. हाँ, अन्वय कर लो, उसमें कौन सी आपत्ति. अपी रहे तो अच्छी बात है, बल्कि अनशनाद अपी, भूखा रहने पर भी मेरे प्राण जी छटपट आएंगे. अपी रहेगा तो और भी श्रेष्ठ हो जाएगा. ये तो सांप काटने का भय, मौत का भय है, उससे भी छटपटाने की संभावना. अरे उससे छटपटाने से बढ़कर क्या, भूख से भी मेरा प्राण जी छटपट आएंगे.
अपी रहने से और उत्कृष्टता बन जाती है। अमी है तो भी कोई दोष नहीं, अमी असव के साथ जोड़ दूंगा तब। अमी असवा आपने नीचे टिप्पण करने बता दिया है, अमी असवा ये जो मेरे प्राण है ना ये न परायंदी, ये कभी व्याकुल नहीं होंगी। क्यों नहीं व्याकुल होंगे? हे ब्रह्मन अनशनादपि, अनशन से भी व्याकुल नहीं होते। क्या बात है भाई, अरे लोग तो थोड़ा देर हो जाए घंटी बजाने में परेशान होते हो, तुमको तो कह रहे हो कोई भाई नहीं लग रहा, कोई परेशानी नहीं, क्या बात है? कारण यह महाराज, हम तो आपके मुख से निकलता हुआ उस भगवत चरणारविंदों की लीलाओं का अमृत में पी रहा हूं। अब अमृत पीने ही मिल गया तो भूख प्यास क्या लग रहा है? जैसे आजकल लौकी का अमृत पी लेते हैं ना, लौकी का अमृत जानते हैं ना, तो दारू पी करके उसको क्या भूख प्यास लगेगा, पता ही नहीं वो कहाँ है। नाली में पड़ा हुआ अपने आप स्वर्ग में रहता हुआ सोचता है नहीं महाराज चक्रवर्ती तो अब भगवत कथामृत मिल जाए फिर तो क्या कहना, प्राण छटपट कर सवाल ही नहीं है, परमानंद की बात होगी। इधर पिबतो अच्युत पीयूषम, अच्युत पीयूषम भगवान की लीला रूपी अमृत, भगवत चरित्र रूपी अमृत को पीता हुआ मेरे को कभी मेरे इंद्रिया व्याकुल नहीं होंगे। अन्यत्र इतना ही नहीं, चाहे ब्राह्मण का शाप भी क्यों ना हो उससे भी मेरे को कोई व्याकुलता नहीं है। सुतवाच, तुम सोच जी कहने लगे। इस प्रकार से राजा परीक्षित ने सुखदेव से पूछा, तब उसके बाद क्या हुई उस बात को सूर्य बीच में श्रवण कार्यों को सुनाते हैं। सोपामंत्र तो राजा कथायामिति सत्पते ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि। प्रश्न को सुन के ही सुखदेव के मन में गदगद हो गए, इतना आनंद आ गया उनको, वाह वाह क्या प्रश्न पूछा गया, अच्छा मौका मिल गया भगवान की चर्चा करने, ऐसे पूछना भी मिलते ही कहां। जो आएंगे अब बस महाराज हमारा शनि खराब है कि राहु खराब है देखो यही मिलेंगे नहीं, गांव में बैठ जाओ महाराज बछड़ा जो बीमार हो गया है उसको कुछ थूक मारो मंत्र तंत्र करो या भसम उसम दे दो, यही चक्कर वाले सब आते पूछने वाले दुनिया में, कौन ऐसे पूछने वाला आएगा है? आज भी नहीं, उस जमाने में भी नहीं था, कभी नहीं था। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मरात भृशं प्रीत, ब्रह्मरात मने सुखदेव महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए, किसके विष्णुरादेन, विष्णुरात से अत्यंत प्रसन्न, कहा उस महान संसद में। कब? जब सब उपामंत्र दो सब ब्रह्मरात हो, ऐसे जोड़ देना सत्पते है कथाया, सत पुरुषों की पति भगवान की हरि की कथाओं में प्रेरित होकर राजा विष्णुरातेन उपामंत्र तो सन ब्रह्मरातो भृशं प्रीत, ऐसा अनुभव हो जाएगा। संसद में उस सभा मंडप में राजा परीक्षित के द्वारा सत्पति भगवान की कथाओं में प्रेरित कर देने के कारण वह सुखदेव महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्मकल्प उपागते। प्राभागवतम नाम पुराणम, भागवत नामक पुराण को अविस्तार रूप से कथन करने लगे। उसी क्रम से उत्तर प्रश्नों के अनुरूप ब्रह्मकल्पे माने सृष्टि उपक्रम कल्पे, ब्रह्मकल्प दे सृष्टि का जो उपक्रम बिल्कुल शुरुआत से चालू कर दिया, जो पहला मनवंतर ब्रह्मकल्प जिसको कहते, वर्तमान तो पद्म कल्प चल रहा है ना, भाई 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 भाई। क्या बोलते हैं आप, वाराह कल्प, पद्म कल्प के बाद वाला ये वाराह कल्प चल रहा है, पद्म कल्प नहीं वाराह कल्प चल रहा है। वो ब्रह्म कल्प से शुरू किया कथा, सीधा पहला जो कल्प हुआ था वहां से शुरू कर रहे हैं सुखदेव महाराज। ब्रह्म कल्प उपागते ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम, उस समय ने भगवान के ब्रह्मा जी के लिए भगवान ने जो कहा था चतुश्लोकी भागवत, उसी को तत्सर्वम उसी सारे बातों को भागवत नामक पुराण के नाम पर जो ब्रह्म संहितम साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही है ये
निर्गुण ब्रह्म स्वरूप ही शब्द रूपेण सौंड रूपेण आपके सामने उपस्थित है। ब्रह्म सम्मितम एव भागवतम पुराणम नाम प्राह, ऐसे चीज को उन्होंने कहा। यद्यत् परिच्छिद्रिषभ पांडु नामनु पृच्छति आन पूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातम उपचक्रमे। जो जो परीक्षित पांडु नाम ऋषभ, पांडवों में सर्वश्रेष्ठ राजा पांडु वंश के, ऐसा वह राजा परीक्षित ने जो जो पूछा था उन सब क्रमशः आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यात उपचक्रमे, उन सारी चीज कथन करने के लिए राज सुखदेव महाराज आए। अब नवम अध्याय शुरू होता है। श्रवण जब सम्यक होने लगता है तो अनेक प्रकार की विचार उत्पन्न होते हैं, संशय उत्पन्न होते हैं, तो जिज्ञासा अध्याय पूर्व में केवल अनेकों प्रश्न उठाया परीक्षित ने। अब तत्व बोध कराना जरूरी है, मनन उसके बिना होगा नहीं। श्रवण के द्वारा उत्पन्न यत्किंचित संशयों का निवारण करने के लिए तत्वबोध कराना आवश्यक है, उसके बिना मन कैसे आदमी करेगा, संशयग्रस्त है ना। इसलिए मनन के उपयोगी तत्वबोध अध्याय आरंभ होता है, नवम अध्याय। श्री शुक उवाच आत्मायां हृदे राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्न दृष्टोरिवाञ्जसा। आत्मायां हृदे हे राजन, हे परीक्षित, परस्य अनुभवात्मना, अनुभव स्वरूपा जो परमात्मा है, अनुभूति स्वरूप ही है ना, अनुभूति स्वरूप है आत्मा। ऐसा होता हो वही अपर तत्व आत्माया के बिना, उस परमात्मा की माया के बिना हृदय अर्थ संबंध न घटेता, विषय के साथ संबंध घटित नहीं हो सकता। न घटे तो अर्थ संबंध, अर्थ मैंने विषय, घटपट आदि विषय, दृश्य भूता देहादि के साथ संबंध, देह के साथ, देह भी दृश्य अर्थ है। इसलिए अर्थ भूता देहादि के साथ जो दृश्य के साथ जो संबंध है, अंजसा झटित हो नहीं सकता, तत्व तो न घटे तो वास्तव में हो नहीं सकता है। स्वप्रदृष्टुरिव, स्वप्रदृष्टा के समान कैसे हो जाएगा, यथा स्वप्रदृष्टा, स्वप्रदृष्ट के साथ जटित संबंध जो है संबंध न घटते नहीं हो, जब तक आप पूर्वानुभूति को मानना पड़ेगा ना, उसे संस्कार को लेकर स्वप्न हुआ, और यहाँ पर भी पूर्व में कुछ नहीं, एकदम झटित कैसे हो गया। बिना आत्ममाया का, उस परमात्मा की माया को स्वीकार किए आप व्यवस्था दे नहीं सकते, उसी के माया से ही सारी व्यवस्था बनेगी। क्यों, कैसे व्यवस्था बनेगी माया से, बहुरूप इव आभाति माया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते। बस बहुरूपया माया, बहुरूपा माया के कारण से वह आत्मा भी बहुरूप इव आभाति, बहुत जीवों के समान दिखने लगा। अंशांशिवासो ममैवांश जीवलोके, अंशांशी भाव से अवयव अवय भाव रूपेण अनंत रूप को प्राप्त कर गया जैसे लगता है। अस्याह गुणेश्वर रमण, इस माया का गुण में रमण करता हुआ और क्या कहने लगा, वो अहम मम इति मन्यते, अहंकार विमूढात्मा करता हम इति मन्यते। तो अहंकार से मूढ़ होकर के मान लिया आत्मा ही करता है, अरे माया कर रही है अपने कार्य बुद्ध अहंकार आदियों को लेकर के, माया का ही रचना है, माया की खेल है, और उसमें अहंता ममता करने से आदमी भ्रांति के कारण से सब कर रहा है। यर्रिवाव महिमनि स्वे परस्मिन् कालमाययो रमेत गत सम्मोह त्यक्तो दास्ते तदो भयम्। तब क्या होगा, यर्रिवाव, अरे जब निश्चित रूप से जब यह साधक स्वे महिमनि परस्मिन स्वे महिम, वह परभूता स्व महिमा में जब रमण करने लगता है, परस्मिन कालम मायो हो पुरुष प्रकृति, काल और माया, काल मने पुरुष रूप और माया मने प्रकृति,
इन दोनों से भी जो परभूता तत्व है स्व महिमा है, स्वस्वरूप प्रकाश है, अनुभूति रूप है, ज्योति रूप है, आनंद रूप है, उसमें जब स्थित हो जाता है रमे तो तब गत सम्मोह, उसका मोह दूर हो जाता है। और उभयम दोनों कौन से सदा अहम और मम, इन दोनों को ही वह त्याग करके त्यक्त्वा उदास्ते, वह उदास्ते माने पूर्ण रूपेण अवतिष्ठते, पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर गया, अर्थात जो स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर गया। जब माया कर तो मोह भंग हो गया ज्ञान के द्वारा, तब वह अपने स्वरूप में पहुंच गया, तो अहंता ममता अपने आप छूट जाती है। इस विषय में तो अन्य शास्त्र में लिखा भी है, वही दिखाया टीकाकार ने है वहां, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परो विमरते अनर्थं तत्कृतं चाविपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोदं मदुक्षये लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितां। जीव जो है ना सम्मोहित, यया सम्मोहित जिस अविद्या माया के द्वारा सम्मोहित होने के कारण प्रथम स्कंद में आया था सप्तम अध्याय के पंचम और षष्ठ श्लोक, पांच और छठा श्लोक है, एक सात पांच और छह। यह जीवात्मा जीव अपने आत्मस्वरूप को त्रिगुणात्मक मान बैठा, और परोपी इतनी शुद्ध परब्रह्म परमात्मा ही है, फिर भी क्या मानने लगा अपने आप को अनर्थम तत्कृतम च विपद्यते, अपने आप को जो है जीवात्मा माना, अनेक प्रकार का अनर्थ को प्राप्त करने लगा और अनेक प्रकार का तत्कृत जो कष्ट है क्लेश है उसको प्राप्त हुआ। और जब अनर्थों को उपशम हो गया साक्षात भक्ति योगम अतोक्षजे, जब भगवान विष्णु के चरणों में साक्षात भक्ति योग का संपादन हुआ जो अनर्थ को उपशम हो गया, तो लोकस्य जानतो यानी यह तत्व आम जीव नहीं जानता है, इसको जानने के लिए विद्वानों ने यह सात संहिता भागवत का निर्माण किया। ऐसे पहले भी विचार संक्षिप्त हो चुका है, लेकिन परमेश्वर है ब्रह्मा, उसका शरीर के साथ कैसे संबंध हो गया, हम लोगों का हो गया, चलो कोई बात नहीं है ना, अज्ञान ज्यादा है मलिन अविद्या है ना, एक शुद्ध अविद्या होती है ना, मलिन सप्तम शुद्ध सप्तम विचार किया ना, मलिन सत्व वाले हम लोग हैं, इधर हम लोगों के यहाँ होना तो कोई खास बात नहीं है, वो शुद्ध सत्व वाले ईश्वर में कैसे हो गया है, वहां तो नहीं होना चाहिए, तकत नहीं। आत्मतत्व विशुद्ध्यर्थम यदाह भगवान ऋतम ब्रह्मणे दर्शयन रूपम अव्यलीक व्रतादृत, आत्म तत्व विशुद्ध्यर्थम, क्योंकि उस ब्रह्मा का या उस भगवान का या ना भगवान भी क्या अवतार ले लिया, शरीर वाला हो गया कि नहीं हो गया, शरीर के साथ संबंध हुआ नहीं, राम अवतार में, कृष्ण अवतार में, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, जो पहले बहुत अवतारों को गिनाया, सभी में शरीर संबंध कर लिया, और उस परमात्मा के शरीर के संबंध हो गया, वो भी अज्ञानी हो गया ना, वो भी अहमदा ममता वाला हो गया, फिर उसकी लीलाओं का चिंतन करने से, उसकी लीलाओं का जो स्मरण करने से, कीर्तन करने से, अनुमोदन करने से क्या लाभ होगा, ऐसा यदि आशंका होता है, कहते नहीं, दोनों में बहुत फर्क है, उसका भी शरीर से संबंध हुआ, हमारा भी शरीर से संबंध हो रहा है, इन दोनों में फर्क है, क्या फर्क है, आत्म तत्व विशुद्ध्यर्थम यदा भगवान ऋतम, कहते देखो आत्मनो जीवस्य तत्व विशुद्ध्यर्थम, आत्मा ने जीवात्मा इसकी जो है ना तत्व विशुद्ध्यर्थम तत्व ज्ञान, उसकी तत्व ज्ञान करने के लिए कहा गया है कि जो आप भगवान के जो लीलाओं का स्मरण करे, चिंतन करे, कीर्तन करे, अनुमोदन करे है, ये सब कहा गया, क्यों, क्यों ब्रह्मणे दर्शन रूपम अव्यलीक प्रतात्रत, क्योंकि जो है वह भजन जो है ना जो तप आदि के द्वारा किया जो हमारा भजन है वह ब्रह्मणे आह, भगवान जो बता रहा है ब्रह्म में भी देख लो, उसको लाभ हुआ कि नहीं हुआ मेरा चिंतन करने का, ब्रह्मा जी को लाभ हो गया आप लोगों को तो लाभ होगा, सबको लाभ होगा,
ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या करी। ब्रह्मणे मने ब्रह्मा जी के लिए दर्शयन रूपम अव्यलीक व्रतात्, अव्यलीक व्रतात्, अव्यलीक व्रत आदृत, अव्यलीक जो व्रत निरंतर उनका जो तप रूपी अनुष्ठान जो किया था उसको अव्यलीक व्रत कहते हैं। जो अव्यलीकेन व्रतेन तपसा आदृत सेविदा सन भगवान रूपम दर्शयन, भगवान ने अपना रूप को दर्शा दिया। कैसे हुआ ये सारी कहानी, मैंने फर्क ये कहना चाह रहे हैं, जीव जो है ना अविद्या के कारण से मिथ्या रूप देह संबंध करा हुआ है, और ईश्वर का जो है अपनी योग माया के द्वारा चिन्मय लीला में देह संबंध है। दोनों में फर्क है, उसका शरीर भी लीला में चिन्मय होता है, भौतिक नहीं होता। उसका जो शरीर है वह भी भौतिक नहीं होता है, बुखार उखार वो तो उनकी नाटक लीला है जो उन्होंने दर्शाया है, क्योंकि वही पर योग माया चित घन लीला विग्रह आविर्भाव, बस ये उनका अवतार है। उसमें जो राम अवतार कृष्ण अवतार जो भी शरीर उन्होंने धारण किया, चाहे पशु हो अर्ध पशु हो अर्ध मनुष्य हो चाहे पूर्ण मनुष्य हो, जैसा भी उन्होंने शरीर धारण किया वह शरीर चित घन लीला विग्रह रूप है। और हम लोगों का अविद्या के कारीभूता मिथ्याभूत पांच भौतिक वस्तु का शरीर है, इसके साथ संबंध है, इसलिए इस शरीर का मरना जीना होता है और उस शरीरों का मरना जीना नहीं होता। जितने भी अवतार लिया कोई अवतार में नहीं आया कि वो मर गए है? राम जी का शरीर छूट गया उसको जलाया गया, ऐसी कोई कहानी नहीं। कृष्ण का शरीर छूट तो गया क्योंकि वो भी पूर्व वाली को दिया हुआ था कि छिपके बाण मारे थे ना, उसको वरदान था भाई तुम्हारे बाण से हम अगला लीला में शरीर को छोड़ेंगे, तो उसी ने व्याध बन के बाण छोड़ा था। और बाण की भी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, सब आएगा आगे कथा, कौन बाण बना था और उनके पैर में लग गया शरीर छूट गया। उसके बाद शरीर मिला कहाँ गया शरीर, कोई अंत्येष्ट संस्कार नहीं हुई, वो कहा कि उसी दबो अपना गोलोक चला गया। गोलोक चला क्या गया, वो तो चिन्मय रूप है, जाना ना कहा चिन्मय रूप का, कहा दिया जाए तो चला गया। जैसे कहते ना आप ब्रह्मलीन हो गए, अरे ब्रह्मलीन क्या होंगे है? ब्रह्म में लीन होगा कोई, खुद ब्रह्म ही है, अब लीन क्या होगा भाई, कमाल है। अरे लीन तो होना जब हम अलग होते और उसमें चले हम जागते, नहीं जाकर उसमें लीन हो गया, जैसे गंगा जी समुद्र में लीन हो जाती है ऐसे आदमी जाकर के ब्रह्म में लीन हो जाए। अरे जब खुद ही ब्रह्म है तो लीन कहाँ होने का, द्वैत हो तुमने लीन होने की संभावना है। लेकिन फिर व्यवहार क्या है, शरीर छूटने को कह दिया गया वो ब्रह्म में लीन हो। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, इसलिए कहते हैं उनके शरीर हमारे शरीर में फर्क है ना, हमारे तो भौतिक शरीर के साथ संबंध है जिसका अंत्येष्टि भी होता है, और उनका शरीर का कोई ऐसा काम नहीं क्योंकि चिन्मय शरीर लीला में शरीर था। पहले भी गणा दिया भाई आप कैसे नहीं मानोगे, आप कैसे नहीं मानेंगे उनका वह शरीर लीला में चिन्मय नहीं है, मानना ही पड़ेगा, मजबूर हो आप मानने के लिए। कैसे मजबूर है बताओ, कितने महीने के थे वो जब पुत्रा को मारे, गिराया था ना पूरा, क्या कोई आप भौतिक शरीर वाला बच्चा कर सकता है काम। शकटासुर को मार के कैसे, साधारण बात है, व्योमासुर में आकाश में उड़ गए उसे गला पकड़ लिया वहां जाकर, इतनी अक्ल वाला बच्चा कहां से हो गया, उसका शरीर भी कैसा, उसके बाद इतना भारी हुआ उसके सिर नीचे आ गए और उसके छाती पर बैठे खेल रहे हैं मस्ती में, फिर वापस बच्चा के शरीर। यदि चिन्मय शरीर ना होता, लीला विग्रह ना होता तो ये कैसे कर सकते हैं। इसे स्पष्ट है कि उनका देह संबंध जो कथन करना वह अलग है, हम लोगों का देह संबंध का कथन अलग है,
दोनों को बराबर आप नहीं कह सकते। इसलिए उस शरीर धारण करके जो लीला किया गया है उसका स्मरण करूंगा तो हम भी चिन्मय शरीर वाले हो जाएंगे। इसलिए हमें उनकी जो है लीलाओं का चिंतन स्मरण मनन चिन्ह कथन सब कुछ करना चाहिए। यथा ब्रह्मा दृष्टांत है, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति का कल्याण हो गया, साक्षात स्वरूप का दर्शन हो गया तो जीव को क्यों नहीं होएगा? वही कह रहे सारी देवो जगताम परो गुरु स्वदिष्ट्यम आस्ताय सृक्षयेक्षत तामनाद्य गच्छत दृशमत्र सम्मताम प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवे। सज जगदाम मारी देवो परो गुरु हो, वह ब्रह्मा जो संपूर्ण जगत का आदि देव है, प्रथम जय वो प्रथम पैदा हुआ, नाभि कमल हुआ, नाभि कमल प्रकट हो गया था ना, वो प्रथम जय वो परो गुरु पूर्वेशम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदा। सूत्र कहाँ आया था? योग सूत्र है, योग दर्शन में। पूर्वेशम अपि गुरु, हमारे गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के गुरु के भी गुरु कौन है? वो परो गुरु। क्यों? वो काल न अनवच्छेदा, तो काल से अनवच्छेद। यादृश स्व हम लोगों का शरीर शतवर्ष अवच्छिन्न होकर के अनुभूति होता है, तादृश उनका शरीर नहीं है, अनेकों कल्प पर्यंत रहता है। एक ब्रह्मा जी की आई, इसलिए कहते कि देखो परो गुरु स्वादिष्टियम आस्ते सुसृक्ष अच्छत, वो अपना ही जो अधिष्ठान होता कमल में बैठ करके सुसृक्ष उन्होंने कुछ बनाओ, खाली बैठा हूं कुछ तो करो, कुछ करने की इच्छा हुई, कुछ सृष्टि करने की इच्छा होकर बैठे, तम नाद्यो गृशम अत्र सम्मताम। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आई मैं क्या बनाऊ, वो विचार तो किया ताम दृशम मने तादृश प्रज्ञा, दृश्य मने प्रज्ञा दृश्य विषय जो ज्ञान, उसके न कैसे बनाओगे? आपको दिया जाए कई चीजें, अब क्या बनाऊ, दिमाग में आ नहीं रही क्या बनाना है, जानते जरूर है बनाना, लेकिन वह प्रज्ञा जगनी चाहिए ना, क्या बनाना है? चीनी रखा है, सूजी रखा है, आटा रखा है, अमुक अमुक सारे चीज है, बता दिया गया रसोई घर में, दिमाग में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊ, या तो कोई कहे अरे खिचड़ी बनाओ, रोटी बनाओ, हलवा बनाओ, दिमाग में कोई डालने वाला चाहिए ना बाहर से, या खुद की अकल में आ जाए, दो में एक रास्ता है, और दोनों ही नहीं होता तो क्या करें, तो मौन बैठना पड़े। यही उनका भी हाल हुआ, ताम दृश्यम मैंने दृश्य विषय प्रज्ञाम सम्मताम अत्र नाद्यवगच्छत्, वो उनको समझ में नहीं आई मैं इस समय सृष्टि विषय सम्मत जो अव्यविचारी जो विधि है प्रकार है वो उनको समाज में नहीं आई। प्रपंच निर्माण विधि क्या है? वो प्रपंच यया प्रपंच निर्माण विधि भवे, जिस प्रज्ञा से प्रपंच की निर्माण विधि होवे वो प्रज्ञा उनके अंदर जगी नहीं। तो उन्होंने देखा चारों तरफ पानी थी तो कूद गए पानी, कूद गए पानी में, सोचे चलो इसके अंदर कहीं कुछ मिल जाए, ढूंढ ढांड के कुछ कर लेते हैं, ढूंढे तो मछली भी नहीं मिली, वहां बेचारे को कुछ तो मिलता, कुछ ही नहीं मिला। फिर आकर के बैठ गए, सोच रहे क्या करें, सचिंतयन् दक्षरमेकदां भसी उपाश्रणोत् दीर्घयितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानान्द्रपयद्धनं विदुः, निष्किञ्चनानां यद्धनं तद्विदुः। हे नृप अरे परीक्षित समझ लो, निष्किंचन वाले होते ना महात्मा पुरुष, उनका असली धन क्या है? वो उनको ज्ञान हो गया, क्या? तपः। तप कैसे? सचिंतन, वो चिंतन करता रहा तो क्षरम एक कदम छटी थी उसको कान में सुनाई दिया, उस जल में से दो अक्षर का आवाज सुनाई दिया, उपासना दीर्घयितं वचो विभु, वह विभु सा विभु वह ब्रह्मा जी ने दो बार कहा हुआ माने दो अक्षर दीर्घयितं द्व्यक्षरं वचः उपाश्रणोत्, क्या था वो? थप 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 पानी किया। कैसे आपको पता था? कहते देखो स्पर्शेषु यत् षोडशम
स्पर्श क्या है? कादेव मावसाना स्पर्शाह, उसमें सोलवा कौन है? कवर्ग चवर्ग टवर्ग, 15 निकाल दो, सोलवा तब हो गया। फिर एक विंशम, 21वां कौन होगा? तवर्ग भी निकाल दो, 5 20 हो गए, 21वां हो गया कि नहीं हो गया? षोडशम एक विंशम, वो क्या चीज है वो तब? निष्किंचनाराम धनम, निष्किंचनों का जो धन है उसको वह जान लिया। विदु निशम्य तद भक्त दृक्षयादिशो विलोक्य तत्रान्यद पश्यमानः स्वदिष्ट्यमास विमृश्य तद्धितं तपस्युपादिष्टैवाददे मनः। उसने क्या किया? निशम्य तस्य वचसो, उसने सुना कि तो अरे भाई कौन है बोलने वाला, कौन बोल रहा है? तप 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 तद भक्त दृक्षया, उस दो अक्षरों को बोलने वाला का दर्शन की इच्छा से चारों तरफ देखा, दिशा निशम्य विलोक्य, चारों तरफ देखा उसको जाने, शब्दों को सुनने के बाद में उस का वक्ता का दर्शन करने की इच्छा से चारों तरफ से देखा, लेकिन क्या मिला? तत्र अन्यत् अपश्यमानः, इन वहां उसको और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो उसने क्या क्या? स्वदृष्टिम आस्थाय, पुनः अपने स्थान पर बैठ गया चुपचाप, ऐसे जैसे कि मानो कोई जबर से उसको करा रहा, बैठ गया। बैठ करके विमृश्य तद्धितम, सोचा कि भाई तप च आत्मनोहितम, वो जो वचन है तपह वो मेरे हित के लिए है, ऐसे समझ करके वो तपसी उपादिष्ट इव, तप करने के लिए उपदेश दिए हुए के समान मनः आददे, मन को तप में धारण कर दिया। दिव्यं सस्राप्त ममोघ दर्शनो जिता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रिय अतप्यत स्मखिल लोकतापनम तपस्तपियां तपतां समाहितः। दिव्यं सस्राप्तम, दिव्य 1000 वर्ष पूरा का पूरा उसने क्या किया? अमोघ दर्शन, नविदे मोघो मोघात्मकम दर्शनम यस्य, वह अमोघ दर्शन वह ब्रह्मा जी ने जिसके अंदर अविद्याकृत मोहजन्य किसी भी प्रकार का विषय दर्शन नहीं होता, ऐसा अमोघ दर्शन शुद्ध ब्रह्मा जी ने, शुद्ध ब्रह्मा जी ने क्या किया? 1000 वर्ष पूरा का पूरा तपस्या की। कैसे किया उन्होंने? जिता अनिल आत्मा, जित अनिल आत्मा, जितानी अनिल, अनिल मने प्राण, आत्मा मने मन, प्राणमय कोश और मनोमय कोश को जीत लिया, प्राण और मन पर नियंत्रण पा लिए, अतएव जित विजित उभयेन्द्रिय, इधर कर्मेंद्र और ज्ञानेन्द्रियों को भी वो जीत लिया। ऐसा होकर के ये सब ब्रह्मा जी के विशेषण है, अमोघ दर्शन जिता अनिल आत्मा विजितो उभयेन्द्रिय, समाहित है ना आगे, स्म अखिल लोकतापनम तपः, अखिलानाम लोकानाम तापरम प्रकाशकम, तापरम माने प्रकाशकम, यत तपः तादृश तप को उन्होंने आचरण किया, अखिल लोक को प्रकाशन करने योग्य तप को, तपियांस तपताम, तपियांस तपताम, तप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ तपस्वी हो गए ब्रह्मा जी। ऐसे समाहित हो, समाहित चित्त वाला वह ब्रह्म क्या किस तरह से तप करते रहे, तो तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजित संदर्शयामास परम नयकरम व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसं स्वदृष्टवद्भिर् विबुधैर् अभिष्टुतम। तस्मै, ऐसे उस ब्रह्मा जी के लिए भगवान स्वभाजित सन, स्वभाजित, स्वभाजित मैंने सम्यक आराधित, सम्यक प्रकार से आराधित होकर के वह भगवान स्वलोकम संदर्शया मास यत परम न परमस्त किंचित, जो कि पर है जिसलिए कि उससे भी पर कोई और नहीं है, ऐसा जो स्वलोक है,
स्वस्वरूप है उसका दर्शन करा दिया। क्यों? व्यपेत संक्लेश विमोह साधसम। वो कैसा है वो लोग? व्यपेत संक्लेश विमोह साधसम, जिसमें व्यपेद संक्लेश आदि हो, क्लेश नाम का चीज वहां पर नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि मोह ही है नहीं। यदि मोह हो तो क्लेश होएगा, शोक तब आएगा ना। मोह के बिना शोक नहीं हो सकता, मोह का कार्य है शोक, और मोह जो भी खुद कार्य है अविद्या का, इसलिए वो सारे चीज नहीं है। उसका जो अध्वसम मार्ग ही नहीं है, अविद्या का रास्ता ही वहां नहीं, ऐसा कह दिया। वो स्वदृष्टवत वीर विबुधै अभिष्टतम, स्वदृष्टवत भी सत्पुण्यवत भी। स्वदृष्टवत भी माने जो सत्पुण्य प्रदान लोग हैं, उन लोगों के द्वारा विबुधै ही विद्वान आत्मविद्ताओं के द्वारा अभिष्टतम स्तुत उस स्वलोकम तस्मै दर्शा, उस ब्रह्मा जी के लिए दर्शा दिया। वह क्या है, कैसा कैसा है वो लोग? यदि यत्र नहीं प्रवर्तते यत्र जस्तमस्तयो सप्तंच मिश्रम न च काल विक्रम न यत्र माया किमुता परे हरेर अनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता। वादे जहां पर रजगुण तमोगुण इन दोनों के दोनों का मिश्रण या सत्व का मिश्रण आदि कोई भी क्रिया वहां पर नहीं, न च काल विक्रम, और काल की भी गति वहां नहीं, काल की गति नहीं है। सत्व रज तम गुण इन गुणों का परस्पर मिश्रित जो विषम अवस्था भी वहां पर नहीं है, साम्य अवस्था होगी कहीं हो भी नहीं। न यत्र माया, न साम्य है त्रिगुण, न विषम त्रिगुण है वहां पर। किमुता पर है? और अन्य की बात क्या कहना है, जब सबका जड़ ही खत्म हो गया, वही नहीं रह गया, और आगे क्या रहेगा? चैतन्य गिरी महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं, एक जब कई लोगों ने पूछा, बार बार पूछ रहे थे, महाराज इच्छा क्या होगी, इच्छा कैसे होगी, इच्छा तो फिर आती रहती है, बार बार होती रहती है। अरे क्या बोलते हो, अरे इच्छा की माँ मर गई, अब इच्छा कहाँ से होगी? अरे इच्छा की माँ का मतलब अविद्या ही खत्म हो गई, अब इच्छा फिर क्या होता, सवाल ही नहीं उठता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब माया ही नहीं रह गया कि और माया का कार्य जो है अहंकार कैसे, कब वहां रहेगी नहीं रहेगी, बुद्धि रहेगी नहीं रहेगी, पंचभूत होंगे कि नहीं होंगे, प्रश्न कहां से उठेगा, ये खत्म है। हरेर अनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता, जहां पर हनी का हरि का ही अनुसरण करने वाले सुर असुर के द्वारा अर्चित वह परमात्मा का स्वरूप ही वहां विराजमान है। अनुव्रता पार्षद मान हरि के ही पार्षद है। अच्छा, काल कृत नाश भी वहां पर नहीं। फिर क्या है? श्यामा वदाता शतपत्र लोचना विषंग वस्त्रा सुरुच सुपेश सह सर्वे चतुर्बाह अव उन्मिशन मणि प्रवेक निष्काभरण सुवर्चस प्रवाल वैदूर्य मृणाल वर्चस परिस्फुरत कुंडल मौल्य मालिन भ्राजिष्ण भीर्य परितो विराजते लसद्विमानावली महात्मनाम विद्योतमान प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युत अभ्रावलिभिर् यथा नभः। कैसा है बता रहे? श्यामावदाता, श्यामावदाता श्याम सत्य अवदाता उज्ज्वलाश्च, श्यामले रंग भी है और गोरे रंग भी है, ऐसे रंग के पार्षद है, पूरे श्यामले भी लोग हैं, बिल्कुल विष्णु के जैसे ही है, जो जिनको सारूप्य प्रदान हुआ है वो बिल्कुल श्यामले रंग के तो होंगे ही। इन जो सायुज में सालोक्य में उसी लोक को प्राप्त है ना केवल, और अगल बगल घूमने फिरने वाले हैं, अब वो तो गोरे रंग के भी हो सकते हैं, वो श्यामले रंग के क्यों होंगे? सारूप्य तो है नहीं, तो सालोक्य है, सार्ष्ट है या सायुज है, वो तो गोरे भी होंगे। श्यामावदात शतपत्र लोचना, सबके सब कमल नये नहीं है, कोई अकमल नयन नहीं है, सब कमल नयन ही है, कमल के सदृश कमल पत्र के सदृश आंखों का स्वरूप बना है जिनका। सबके सब आज रह रहे हो, कैसे दिख रहे हो? और
विषंग वस्त्र पीले पीले वस्त्र पहने हुए पीताम्बरा और सुरुचः अत्यंत सुंदर है, अत्यंत कमनीय है, सुपेशसः अति सुकुमार अत्यंत सुकुमार है, सब 16 साल के ही न ज्यादा न दाढ़ी मुछ भी नहीं आया इसलिए किसी का 16 साल में क्या होएगा। आजकल के मॉडर्न में तो हो जाता है क्योंकि सब मिलावटी भोजन खा रहे हैं पी रहे हैं, बारह तेरह से ही चालू हो जाते हैं, इन वाक्य 16 तक भी नहीं होना चाहिए, 16 के बाद होनी चाहिए, वही वास्तविक सुकुमार अवस्था है। अच्छा और कैसे हैं? सर्वे चतुर्बाह सभी के सभी चार बाहु वाले, सब विष्णु के जैसे ही शरीर वाले सबके सब वाह। उन्मिशन मणि प्रवेग निष्काभरणा स्वर्चस उन्मिशंत इव प्रभावंतो मणि प्रवेगा मणि उत्तमा येषु तानि निष्कान, ऐसी मालाएं पहने हुए जिनमें जो है निरंतर उन्मेष ही होते हुए के समान प्रभा निकलती रहती है, प्रकाश निकलती रहता है, ऐसे मणि विशिष्ट मणियों के द्वारा मणि प्रवेगा मणि उत्तमा उत्तम मणियों से बना हुआ मालाओं को पहने हुए पदकानि आवरणानि च येषाम, ऐसे पदक हैं आवरण जिनके निष्कावरणा स्वर्चसः अत्यंत तेजस्वी अत्यंत तेजस्वी प्रवाल वैदूर्य मृणाल वर्चस, वर्च अत्यंत वर्चस्वी कैसे है? प्रवाल के समान, वैदूर्य मणि के समान, मृणाल मणि के समान, इन मणियों की प्रकाश जैसा तेज होता है वैसे तेज के समान तेज वाले हैं। तारश वर्णो एषाम परिस्फुरत कुंडल मौली मालिना परित स्फुरंति कुंडलानि मौलयो मालाश्च संति ये शांति, जिनके कुंडल हिलने से चमकते रहते ऐसे हीरों से जड़ा हुआ है और विभिन्न प्रकार के मालाओं का धारण किए हुए ब्राजिष्ट वीर्य परितो विराजते लसद विमानावलि भीर महात्मनाम। और कैसे हैं वो लोग पार्षद जो का अनुवर्णन करते जा रहे हैं? पार्षदों के अनुवर्णन में से ही सोच सकते हैं आप विष्णु का स्वरूप कैसा होगा, जब पार्षद की ये हाल है, पार्षदों का ही ये हाल है तो उनका कैसा होगा असलियत में, वो बाद में वर्णन करेंगे। जैसे मंत्री संतरी लोग ही टिप टॉप हो और राजा का फिर क्या होगा, तो और दिव्य होगा जिसके मंत्री ऐसे हों, जिसके घर के नौकर टिप टॉप हो, मालिक कैसा होता होगा, फटीचर तो नहीं होगा जरूर, नहीं तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे कि देखो वो कैसे हैं और उनके जो चेड़े चमचे चारों तरफ वाले ब्राजिष्ट भी देदीप्यमान आदि देदीप्यमान और चारों तरफ कैसे परित विराजते, चार तरफ भगवान विष्णु के ये लोग विराजमान है। लसद विमानावली वीर महात्मना, लसद विमान की आवली है, पंक्तियां हैं, एकदम तेजोमय प्रकाशमय विमानों की पंक्ति चारों तरफ है महापुरुषों की। विद्योतमान प्रमदोत्तमाद्युभिः और प्रमद उत्तमानाम दिवः कांदे, प्रमदोत्तम कदे द्यूलोक में भी कांतियों को फैला देने वाली ऐसी विद्योतमाना, ऐसी बिजली की चमक चमक रहे जिसकी चमक में और भी सौंदर्य निखरते जा रहा है। सविद्युत अभ्रावल फिर यथा नभ, जैसे हम इस लोक में देखते हैं आकाश को बादलों के साथ बिजली चमकती हुई कितना सुंदर लगता है, उससे भी वहां द्यूलोक की वह दिव्य बादल, उन दिव्य बादलों से निकलता दिव्य बिजली की चमक से सारा का सारा वहां परमात्मा का वैकुंठ लोक चमक रहा है। श्रीर्यत्र रूपिणी उर्गाय पादयो तुमा करानुगई विजयमाना प्रिय कर्म गायति, श्रीर्यत्र रूपिणी श्री संपत साक्षात मूर्तिमय होकर खड़ी हुई है वहां पर सेवा में, मानम पूजा मानम पूजा बहुधा विभूति भी करोति, अपने बहुत प्रकार विभूतियों के द्वारा उर्गाय पादयो मानम करोति, साक्षात लक्ष्मी श्री मूर्ति रूप धारण करके शरीर धारण करके उन्हें अपने अनंत प्रकार विभूतियों के माध्यम से वह लक्ष्मी मानो उस विभिन्न प्रकार की लीला प्रदान करने वाले चरणों का पूजा कर रही है।
प्रिंखन श्रद्धा या कुसुमा करा अनुगैर। और कैसे कुसुमा करा प्रेंखम मने आंदोलन संश्रदा विभूतिवीर नाना विभवी प्रेंखम आंदोलन संश्रदा प्रेम लीला से युक्त होकर के कुसुमा करो वसंत ऋतु तस्य अनुगा उस ऋतु में अनुगमन करने वाले गण भ्रमर लोग वो वहां विलक्षण अपने गान गा रहे हैं करके अपना म्यूजिक दे रहे हैं एक तरह से नहीं कुसुमा करा झूला भी है प्रेम का आंदोलन भाई प्रेम लीला में सब इस्तेमाल हो जाते हैं। अब एक दो संकेत कर दे रहे हैं क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है वहां लीलाओं में वो अलग है सामान्य भी संकर दिया प्रेम लीला सब मस्त है बड़े अपने अपने प्रेम भाव में भगवान के प्रति प्रेम भाव में आनंदित थे। प्रिय कर्म गायती देखो प्रिय कर्म गायती वो भावरे में क्या गा रहे हैं कि माना स्वयं तो प्रिय से हरे कर्म गायंती इव भवत बस हरि का जो कर्म है जो उन सब के लिए प्रिय है उसी को वो लोग गायन कर रहे हैं समझो। दर्श तत्रा किल सातुधाम पदिम श्रिय पदिम यज्ञ पदिम जगत पदिम सुनंद नंद प्रबाल प्रबला रणादि भी स्वपार्षद मुख्य परिसेविदं विभुम्।